हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एस वेल अपडेट्स। और आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स पार्ट टू। जी हाँ, इसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स के व्यू को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का असली नाम कार्ल हेनरिच मार्क्स। कार्ल हेनरिच मार्क्स 1818 टू 1883 ही वॉज ए रेवोल्यूशनरी। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। वो एक जर्मन ज्यूइश थे, यानी कि यहूदी थे। वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के साथ साथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी भी थे। तो कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने इकोनॉमी को देखते हुए काफी कुछ लिखा। उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल व्यू है उसे क्लास स्ट्रगल की फॉर्म में पेश किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो ही क्लास हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन दो क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और उसे ही पॉलिटिक्स कहते हैं। अगर उन दोनों क्लास के कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म कर दें तो पॉलिटिक्स बहुत ही स्मूथ चलेगी और बहुत ही अच्छा इससे रिलेशन दोनों के बीच में निकल के आएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के हाथों में सारी की सारी संपत्ति है, सारी की सारी पावर जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में दी गई है, उनसे हमें उन्हें निकालने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादा लोग कौन है? ज्यादा लोग वो है जो उनके वहां काम करते हैं, ना कि वो लोग जिनके पास संपत्ति है। यानी कि उन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म जो स्टेट है वो पूरी तरह गलत है और जो कैपिटलिस्ट हैं उनके जरिए जो पुअर लोग हैं, जो लेबर वर्क है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनके साथ जातियां की जा रही हैं, उसे रोकना होगा और उनके लिए खुद लेबर लोगों को ही आवाज उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे मींस ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है वो भी बढ़ता जाता है। मार्क्स आर्ग्यूड दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन लीड टू एलिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क। एलिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क का क्या मतलब है? यानी कि जैसे जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा, लोगों का जो काम है वो डिवाइड हो जाएगा। कुछ लोग लेबर बन के ही रह जाएंगे और कुछ लोग मालिक बन के ही रह जाएंगे। फिर उनके बेटे मालिक होंगे, उनके बेटे, वो चाहे कितने भी इनकॉम्पिटेंट क्यों ना हो, वो मालिक बनते ही रह जाएंगे। जबकि जो लेबर है वो बेचारों से इतनी कम वेजेस मिल रही है कि वो कभी खड़ा होकर मालिक बनने की हैसियत रखेगा ही नहीं और हमेशा लेबर ही रहेगा। उसकी पूरी पीढ़ी जो है वो लेबर की फॉर्म में निकल जाएगी। एंड ग्रेजुअली रिजल्ट इन कॉमोडिटी फिक्सेशन ऑफ द लेबर। कॉमोडिटी फिक्सेशन का क्या मतलब होता है? जो लेबर है वो एक कॉमोडिटी, एक समान, एक वस्तु बन के रह जाएगी जिसे बेचा और खरीदा जाता है। पीरियड टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से पहले मार्केट एग्जिस्टेड इन यूरोप वेयर द प्रोड्यूसर एंड द मर्चेंट बोट एंड सोल्ड कॉमोडिटीज। कैपिटलिज्म से पहले जो मर्चेंट हैं और जो प्रोड्यूसर थे यूरोप के अंदर, वो लोग सामान को खरीद और बेचते थे, यानी सस्ता खरीदते थे और महंगा बेचते थे, यानी कि उसके बीच का जो प्रॉफिट यानी कमीशन जो होता था वो रखते थे अपने पास। लेकिन जब कैपिटलिज्म शुरू हुआ तो मार्क्स का ये कहना है कि कैपिटलिज्म जब शुरू हुआ तो उससे क्या हुआ, जो लेबर है वो बिकने और खरीदनी शुरू हो गई। यानी कि जो लेबर है, जो लेबर वर्ग है वो बिकना और खरीदना शुरू हो गया। एक लेबर, जैसे कि अगर मैं लेबर हूं तो मैं आपको अपने 8 घंटे दूंगा, उस 8 घंटे के आप मुझे कितने पैसे दोगे। यानी कि जो वर्क है, लेबर वर्क है, वो बिकना शुरू हो गया। और मार्क्स ने इस चीज को कहा कि दोज हु मस्ट सेल देयर लेबर पावर टू सर्वाइव। अपनी जिंदगी के लिए उन्हें अपनी लेबर पावर बेचनी पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं प्रोलेटेरियट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोलेटेरियट्स। इस शब्द को समझेंगे। प्रोलेटेरियट्स एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है जो लोग अपनी लेबर पावर को बेचते हैं किसी को, यानी मैं तेरे खेत में काम करूंगा, मैं तेरी फैक्ट्री में काम करूंगा, मुझे कितने रुपए मिलेंगे, उसे हम प्रोलेटेरियट कहते हैं। और जो लोग, जिनके पास पावर है, जिनके पास लैंड है, जिनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है, सारे के सारे पैसे वाले लोग, उन्हें हम कैपिटलिस्ट लोग या फिर बुर्जुआ भी कहते हैं। ठीक है, बुर्जुआ इज ऑल्सो जर्मन टर्म। इन बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट्स की जो फाइट है, इसी के अंदर पूरा का पूरा जो आपका कम्युनिज्म है वो बसा हुआ है। ओके, इसे और आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो मार्क्स है उन्होंने इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट और मर्चेंट कैपिटलिस्ट को अलग अलग किया है। सबसे पहले हम दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट और मर्चेंट कैपिटलिस्ट, इन दोनों का मतलब क्या है? पहले हम इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट पे आते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो लोग, जिनके पास अपनी इंडस्ट्री होती है, जो लोग लेबर पावर को खरीदते हैं, अपना काम करवाते हैं और फिर ऊंचे दामों में चीजों को बेचते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक चीज आती है, एक टर्म आती है, इसे हम कहते हैं
जिसे हम कहते हैं सरप्लस वैल्यू, उस सरप्लस वैल्यू के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले मर्चेंट कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। मर्चेंट कैपिटलिज्म क्या होता है? मर्चेंट होते हैं व्यापारी, यानी मर्चेंट कौन है? जो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट्स होती हैं और हर मार्केट में हर चीज का रेट अलग अलग होता है। तो जैसे एक मार्केट में एक चीज का रेट 10 रुपए है और दूसरी मार्केट में उसी चीज का रेट 15 रुपए है, तो मैं इस मार्केट से उस चीज को 10 रुपए में खरीदूंगा और उस मार्केट में जाके 15 रुपए में बेच दूंगा। यानी जो डिफरेंस है दोनों मार्केट के रेट्स का, उसका फायदा कौन उठाता है? मर्चेंट कैपिटलिस्ट, यानी कि व्यापारी आदमी। इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट कौन होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट वो होता है जो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है उसे। और प्रोडक्शन में क्या होता है कि वो किसी चीज को 10 रुपए में बनाएगा और 15 रुपए में बेचेगा, तो वो क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट। लेकिन होता क्या है, मार्क्स कहता है कि कोई चीज सपोज 10 रुपए में बनी, 5 रुपए इस पे लेबर लगा, टोटल 15 रुपए की है, ठीक है, लेकिन वो बिक कितने की रही है? 25 रुपए की बिक रही है। तो जो 10 रुपए का फायदा हुआ है, ये 10 रुपए का फायदा है सरप्लस वैल्यू। क्या कहेंगे इसे? सरप्लस वैल्यू। तो ये सरप्लस वैल्यू क्या चीज है, और सरप्लस वैल्यू को मार्क्स गलत ठहराता है। मार्क्स कहता है कि सरप्लस वैल्यू किसको मिल रही है? ये लेबर को नहीं मिल रही, लेबर के मालिक को मिल रही है। जब उस मालिक को ये मिल रही है तो मालिक तो अमीर बनता जाएगा, जबकि जो लेबर है उसने 5 रुपए काम नहीं किया, उसने कितने काम किया? उसने देखा जाए तो और 15 रुपए का काम किया, यानी 25 की बिक्री है ना, 10 की चीज है तो 15 रुपए का उसने काम किया, लेकिन उसे कितना मिले हैं? सिर्फ 5 रुपए मिले हैं, उसे जायज पैसे नहीं मिले हैं। यानी कि एक तरह से मार्क्स के व्यू को इस तरह समझ सकते हैं कि जो लेबर है वो बड़े बड़े ताजमहल तो बना देती है, लेकिन ताजमहल में रहने को उन्हें नहीं मिलता, वहां बड़े बड़े शहंशाह रहते हैं। तो इसे सरप्लस वैल्यू उन्होंने कहा, जो एक्स्ट्रा इनकम जो इंडस्ट्री है वो कमाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इनिशियली क्रिएट ट्रिमेंडस ग्रोथ। शुरुआत में तो इससे बहुत ग्रोथ दिखेगी आपको, ये मार्क्स का कहना है। मार्क्स का कहना है कि शुरुआत में तो कैपिटलिस्ट मोड से आप अपने देश में अंदर कैपिटलिज्म लाओ और आपको बहुत ग्रोथ दिखेगी, आपको लगेगा सब कुछ ही बहुत बढ़िया है। Because the capitalist can and has an incentive to reinvest profit in new technology and constantly revolutionize the means of production. क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे, ज्यादा पैसे कमाने से वो नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएंगे, नई टेक्नोलॉजी में जब पैसा लगेगा तो नई नई टेक्नोलॉजी बन के आएगी, उस नई टेक्नोलॉजी से और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और इस तरह से जब नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो और ज्यादा फायदा होगा। तो जब और ज्यादा फायदा होगा तो इससे क्या होगा, सबको, यानी कि जो कैपिटलिज्म है उससे देश को फायदा होने लगेगा। बट कैपिटलिज्म मार्क्स प्रोड्यूस इज प्रोन टू पीरियोडिक क्राइसिस, यानी कि मार्क्स ने ये एक तरह से भविष्यवाणी की कि कैपिटलिज्म के अंदर क्राइसिस आएंगे। चाहे आपका सिस्टम कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतर हो, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके अंदर क्या आएंगे, उसके अंदर क्राइसिस आने लगेंगे। क्राइसिस किस तरह के, जिसे हम रिसेशन कहते हैं, वो रिसेशन आने लगेंगे वक्त के साथ साथ। तो मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे जो कैपिटलिस्ट है, जो उद्योगपति है, वो नई नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएंगे, वो लेबर को पैसा देना और कम कर देंगे, यानी सरप्लस वैल्यू जो है उनकी जो लेबर से आ रही थी वो खत्म होती गई, और जैसे जैसे उनकी सरप्लस वैल्यू जो है वो खत्म होती जाएगी, वो लोग तो अपना फायदा कर रहे थे कि मशीन से और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, लेकिन उससे उनकी सरप्लस वैल्यू जो थी वो खत्म हो गई, और जब उनकी सरप्लस वैल्यू खत्म हो गई तो उससे क्या हुआ, रिसेशन का टाइम आ गया, मंदी आ गई, और मंदी से फिर जूझना पड़ता है उस पूरे सिस्टम को कैपिटलिज्म के। तो जो मार्क्स कहता है कि इस मंदी जो है वो एक तरह का क्रिटिक है कैपिटलिज्म का, यानी उस मंदी नहीं आनी चाहिए ना इकोनॉमी के अंदर, वो क्यों आ रही है, क्योंकि कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। इन विच सर्टेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वुड कोलैप्स, रिसेशन में क्या होता है, बहुत सारे सेक्टर इकोनॉमी के ऐसे होते हैं जो कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ड्यूरिंग सच अ क्राइसिस द प्राइस ऑफ लेबर वुड ऑल्सो फॉल, इससे क्या होगा, जो लेबर है उनके प्राइस और ज्यादा गिर जाएंगे, वो और सस्ते में काम करने को तैयार हो जाएंगे, और इवेंचुअली किसको नुकसान होगा, सारा नुकसान लेबर को ही होगा, लेबर क्लास को ही सब कुछ भुगतना पड़ेगा। Marx believed that this cycle of growth, collapse and growth would punctuated by increasingly severe crisis. ये जो cycle है, growth हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, growth के बाद crisis आया, फिर growth हुई, crisis आया, ये जो cycle जब चलती रहेगी तो ये जो cycle है ये end में एक दिन बहुत बड़ा crisis आपके सामने लेके आएगी, जिसमें आपकी economy पूरी की पूरी fallen down हो जाएगी, गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये Marx की भविष्यवाणी। तो मार्क्स इससे बचने के लिए क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि उठो, जागो,
जितने भी लेबर हैं, जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो उठे जागे और जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे अपने कब्जे में ले ले, सीज कर ले, उन्हें सीज करके एक क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाए, एक ऐसी सोसाइटी जहां सबको बराबर मिले, सबको रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। और उसके बाद क्या होगा, उस जरिए से हम पीरियोडिक क्राइसिस से, जो टाइम टू टाइम क्राइसिस आते हैं, रिसेशन से हम बच सकते हैं। दिस इज द रीजन हिज व्यू इज रिगार्डेड एज रेवोल्यूशनरी। इसी वजह से उनका जो ये व्यू है, ये जो नजरिया है, उसे रेवोल्यूशनरी कहा गया, उसे क्रांतिकारी नजरिया कहा गया, कैपिटलिज्म मतलब उसे क्रांतिकारी नजरिया कहा गया। So, Marxism view of politics is based on the fundamental social relationship between the rich and the poor worker class. जो Marxism है वो क्या है, एक तरह की relationship बताता है poor और rich working class के बीच में, and this theory का prediction, ये जो theory है और एक तरह की prediction भी है, भविष्यवाणी भी है, that capitalism lead to progressive loss of power, जिसकी जो capitalism है उससे सिर्फ अमीरों को फायदा होगा और गरीबों को नुकसान ही नुकसान होगा, एक दिन ये system collapse कर जाएगा। और ये कब होगा, इसके लिए वो कहते हैं उठ जाओ, वॉयलेंट अगर होना पड़े आपको तो वॉयलेंट मेथड का इस्तेमाल करो, फोर्स टू पॉलिटिकल रिएक्ट इन वॉयलेंट मैनर लीडिंग टू रेवोल्यूशन, जिससे क्या हो, क्रांति आए। और क्रांति से क्या होगा, क्रांति से सारी जो पावर है वो गरीब लोग अपने अंडर ले लेंगे, और जब गरीब लोग अपने अंडर पावर ले लेंगे तो वो लोग शासन करेंगे और सब चीजों को बराबर बराबर बांटेंगे। देयर इज नो क्लास, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, हम एक ऐसी सोसाइटी में जिएंगे जब सब लोग बराबर होंगे और किसी को भी कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, सबको बराबर चीजें मिलेगी, बेसिक नेसेसिटी मिलेगी और सब लोग सुखी होंगे। इस तरह की भविष्यवाणी, इस तरह का जो पैटर्न है, इस तरह का जो व्यू है, वो मार्क्स लेके आए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होगा अगर ऐसे ऐसे आप करोगे तो। सो मुझे लगता है कि मार्क्सिज्म को बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अगर मैं थोड़ा बहुत फास्ट बोला तो उसके लिए माफी चाहता हूं। अगली बार आप मुझे सजेशन दीजिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे आपको वीडियो कैसी लगी, थोड़ी बहुत गलती की होगी तो उसके लिए माफ कीजिए, क्रिटिसिज्म करिए मेरा, बताइए मुझे कहां गलतियां की ताकि उसे मैं ठीक कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।